उत्तरकाशी में गरमाए मस्जिद विवाद, पुलिस लाठीचार्ज के बाद हिंदू संगठनों ने आज किया बंद का ऐलान। कल हुए प्रदर्शन के दौरान हुआ था पथराव। उत्तरकाशी में मस्जिद गिराने की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन, हिंदू संगठन का आरोप, सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ है, अटैक में दो जवान शहीद हो गए, एक जवान के घायल होने की खबर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। हमले के पीछे आतंकी संगठन जैश का, आज सूत्रों के हवाले से खबर, 3 से 4 आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। आतंकी हमले के बाद एक्शन में पुलिस, घटना वाली जगह के लिए रवाना हुए पुलिस अधिकारी, हमले में 2 जवान शहीद हो गए। घटनास्थल का दौरा कर सकती है एनआईए की टीम, घाटी में पहले से ही मौजूद है एनआईए की टीम, गांधरबल हुए आतंकी हमले की जांच कर रही है टीम। भीलवाड़ा में झड़प के बाद बढ़ा तनाव, संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती कर दी गई है, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है और करीब 20 लोगों को डिटेन किया गया। पश्चिम बंगाल में दीघा तट से टकराया दाना तूफान, समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें, आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। उड़ीसा के धामरा में चक्रवात दाना की दस्तक हो गई है, शहर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, उफान पर नदियां, दहशत में लोग। भद्रक में देखा जा रहा तूफान का सबसे ज्यादा असर, जगह जगह पर पेड़ गिरे, रास्ते से पेड़ों को हटाने का काम लगातार जारी है। ओडिशा के भद्रक में दाना तूफान का असर, तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश, रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर हैं। दाना का कहर तूफान से समंदर में पलटी नाव, मछली पकड़ने वाली बोट भी खराब हो गई, बाहर निकालने आई दूसरी बोट भी फंस गई, धामरा पोर्ट के पास की घटना बताई जा रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज दाखिल करेंगे नामांकन, नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से लड़ रहे हैं चुनाव, नामांकन से पहले पूजा कर आशीर्वाद लिया। ये सही है कि मेरा छठवां चुनाव है, लेकिन जैसे पिछले 5 चुनावों में मेरे साथ जनता का भी आशीर्वाद था, माता जी का भी आशीर्वाद था, ऐसे ही इस समय भी वो आशीर्वाद रहेगा। एनसीपी अजित पवार गुट ने दूसरी लिस्ट जारी की, लिस्ट में 7 उम्मीदवारों का नाम, नवाब अली की बेटी सना मलिक को भी टिकट मिला। आज दिल्ली में होगी कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, करीब 4:30 बजे मीटिंग होगी, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। संजय निषाद उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशियों का समर्थन, कहा कि खुले मन से बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन, जीत के लिए जितना भी हो सकता हम खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, हमारे एक एक कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी की बैठक हुई है कि नहीं हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, और जो भी प्रत्याशी एनडीए का है वो हम भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं है बल्कि उसमें भोजन भरी थाली भी है, ये देख कर हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता वोट दबाएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर साधा निशाना, सपा के पीडीए को बताया फर्जी, अखिलेश को गुंडों, अपराधियों और दंगाइयों का मुखिया बताया। और तिरुपति में कुछ होटलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, धमकी भरा मेल आया और बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम भी सर्च ऑपरेशन में जुटी। अमरोहा में स्कूली बच्चों से भरी मिनी बस पर फायरिंग हुई है, नकाबपोश बदमाशों ने रास्ता रोककर फायरिंग की, सभी बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं, पुलिस जांच में जुटी हुई है। रामपुर में कोर्ट में आखिरी तारीख पर आए पति पत्नी के बीच मारपीट हुई, वकीलों ने छुड़ाया मारपीट का वीडियो, सोशल मीडिया पर तेजी के साथ हो रहा वायरल। कर्नाटक के बेलगावी में पुलिस ने 2 बच्चों का अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लग गई। पश्चिम बंगाल की वीरभूम में युवक की गोली मारकर हत्या, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और पूर्वी लद्दाख से भारत और चीन सैनिक समझौते के तहत अब पीछे हट रहे हैं देपसांग देमचौक से, पीछे हट रही हैं सेनाएं, एक एक कर तंबू और स्ट्रक्चर्स को ध्वस्त किया जा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर एनआईए की तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है, साथ ही लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबर सिद्दीकी की हत्या कांड में नाम आया था अनमोल बिश्नोई का, इससे पहले सलमान खान के घर पर जो फायरिंग की गई थी उसमें भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था, 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है एनआईए की तरफ से। आपको बता दें 10 लाख का इनाम अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, उसके ऊपर इनाम
घोषित किया गया है। बापा सिद्दीकी हत्याकांड में अनमोल का नाम सामने आया था। इससे पहले भी कई आपराधिक मामलों में नामजद है अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई पर इनाम घोषित किया गया है, साथ ही लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें अनमोल बिश्नोई, जिसके ऊपर कई आपराधिक संगीन धाराओं में मामला दर्ज है और भी इससे पहले कई बड़े अपराधों में नाम सामने आया है, लेकिन इस बार अनमोल पर फंदा जो है जबरदस्त तरीके से कसता जा रहा है। 10 लाख रुपए का एनआईए ने इनाम घोषित किया है। और मोस्ट वांटेड अनमोल बिश्नोई, इसकी जानकारी आपको देते हैं। एनआईए ने मोस्ट वांटेड सूची में इसको फिलहाल शामिल किया है और इसी को लेकर के जांच पड़ताल लगातार जारी है। लॉरेंस के भाई अनमोल पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। जी हां, 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। बड़ी खबर के तौर पर अभी आपको प्रियंका बता रही थी। इसके अलावा अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट बनवाकर भारत से भागा भी था। अनमोल बिश्नोई के कैनेडा में होने की खबर भी मिल रही है। और ये भी आपको बता दें कि मोस्ट वांटेड अब लॉरेंस का भाई बन चुका है। अनमोल बिश्नोई पर मूसेवाला की हत्या में शामिल होने का भी बड़ा आरोप लगा है। ऐसे कई आरोप इस पर लगे, मर्डर के आरोप लगे, रंगदारी मांगने का आरोप भी लगा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी अनमोल का नाम सामने आ रहा है, इसकी जानकारी हम आपको पहले से ही दे रहे थे। सलमान खान के घर पर गोली लगवाने के पीछे भी इसका हाथ माना जा रहा है और अनमोल बिश्नोई पर दर्जनों मुकदमे दर्ज है, बहुत सारे केसेस दर्ज है। और रंगदारी का मामला हो, मर्डर से जुड़ा केस हो, ऐसे बहुत सारे मुकदमे उस पर दर्ज किए गए हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि लॉरेंस जो है उसका सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ा गया है। मुंबई पुलिस को पहले से ही सब कुछ बता दिया गया था। कुछ लोग हमसे यानी कि सिद्दीकी परिवार से खुश नहीं थे, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मर्डर से पहले ही लॉरेंस का नैरेटिव बनाया गया, यानी कि सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। इसको नकार रहे जिशान सिद्दीकी। उनका कहना है सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ा गया है। मुंबई पुलिस को पहले से ही सब कुछ पता था और हमारे सहयोगी ने जिशान सिद्दीकी से बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जिशान। एनसीपी के लीडर जिशान सिद्दीकी मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। उनके घर में एक बहुत ही दुखदायक घटना हुई है जिससे वो बहुत परेशान है। इस वक्त जानने की कोशिश करते हैं, अभी आपने फॉर्मली जो है वो एनसीपी को ज्वाइन कर लिया। जी, आपने देखा होगा कि पिछले एक दो दिन में महाविकास अघाड़ी ने अपना कैंडिडेट अनाउंस किया है और मैं कांग्रेस का विधायक रहा हूँ, आमदार रहा हूँ, तो ये सीट कांग्रेस को जानी चाहिए थी। सिटिंग एमएलए मैं हूँ, पर इस कठिन समय में जो अजीत पवार दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, पूरे राष्ट्रवादी परिवार ने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है, मैं उनका आभारी हूँ और हमेशा आभारी रहूँगा मेरे परिवार के लिए। और मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है और इस मोमेंट में मैं मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी को याद करता हूँ। उनका अधूरा सपना था इस सीट को फिर एक बार जीतने का और बांद्रे पूर्व की जनता का मांग था और उन्होंने इसको सराखों पर रखा और मुझे भी फॉर्म भी दिया बांद्रे पूर्व से आज लड़ने के लिए। तो मैं लड़ूंगा, जीतूंगा और बड़ी बहुमत से जीतूंगा। रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री हम बांद्रे पूर्व से राष्ट्रवादी पार्टी से करके दिखाएंगे। आपको लगता है कि ये सारे डिस्प्यूट जो है वो एक्चुअल रीजन है सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो बताया जा रहा है प्लॉट, वो बिल्कुल सरासर गलत है? देखिए, मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको कुछ नॉलेज दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। मेरे साथ जो हादसा हुआ है, मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है, मेरे घर के चिराग हमारे मेरी बहन है, मेरी माँ है और हमने जो चीज़ खोई है उसके बारे में तो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। पर जो दिन दहाड़े हुआ है एक इतने नेक इंसान के साथ, जो हमेशा लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और उनकी जान भी आज अगर गई है तो गरीब लोगों की घर के लिए गई है, गरीब लोगों की राइट्स बचाने के लिए गई है। तो जो एंगल है वो मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, मगर हमें न्याय चाहिए और हमें विश्वास है, यकीन है कि न्याय जल्द से जल्द हमें मिलेगा मेरे पिताजी के लिए, मेरे परिवार के लिए, पूरे देश के लिए, राज्य के लिए, सिटी के लिए, बांद्रे पूर्व के लिए। और मुझे इसका यकीन है, जो स्टेटमेंट था, जो हमें इल्म था, जो हमें इन्फॉर्मेशन थे, जो हमें डाउट्स थे, जो हमारे इंक्लिनेशन थे, वो हम सब ने, जो हमारे दिमाग में थे, वो हमने मुंबई पुलिस के साथ शेयर की है। और मुझे यकीन है कि जल्द से जल्द हमारे परिवार को, मेरे पिताजी को, सबको, हम सबको न्याय ज़रूर मिलेगा।